हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एम टू एम क्लासेज में, डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 9 जुलाई के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें देखने वाले हैं। अब मैं इसमें शुरुआत करता हूँ राष्ट्रीय समाचार से। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सभी से कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ करंट अफेयर्स को देखते रहें। इसमें पहली न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है। इसमें देखते हैं कि हाल ही में संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में फैली ये पहल शहर को बदलने और बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को दर्शाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री का। आगे इसमें न्यूज है कि भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। इसमें देखते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप यानी GGRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। GGRG की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रक्रिया के समन्वय के लिए की गई थी। जो GGRC है, इसकी स्थापना की गई थी 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए। आगे समाचार है इसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसमें देखते हैं कि प्रवास विवाद पर डच सरकार का पतन। डच सरकार से संबंधित न्यूज है कि प्रवास विवाद पर डच सरकार जो है वो गिर गई है। इसमें प्रवासन से निपटने पर असाध्य मतभेदों के कारण डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे की गठबंधन सरकार गिर गई है। इसमें बता दें कि कई दिनों की संकट वार्ता के बाद चार दलीय गठबंधन किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहा है। नीदरलैंड के यह सबसे लंबे समय तक रहे थे प्रधानमंत्री जो नेता थे रूटो, यह सबसे अधिक समय तक रहे थे और उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में पतन की घोषणा की और राजा को अपना लिखित इस्तीफा दिया। आगे इसमें न्यूज है कि ताइवान संबंधों को बढ़ाने के लिए मुंबई में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करेगा। इससे पहले ताइवान के 2 कार्यालय भारत में ऑलरेडी थे, इसमें यह अब मुंबई में तीसरा अपना कार्यालय स्थापित करने जा रहा है ताइवान। आगे ताइवान ने इस बार भारत में अपना तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय मुंबई में खोलने के फैसले की घोषणा की है। यह कदम एक दशक से अधिक समय के बाद आया है जब ताइवान ने आखिरी बार देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया था। मुंबई में ताइवान आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का उद्देश्य व्यापार, निवेश और सुविधाजनक बनाना और ताइवानी नागरिकों और भारतीय व्यापारियों और पर्यटकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। इसमें आगे न्यूज है ताइवान भारत, ये तो हो गई। आगे इसमें दिमाग खाने वाला अमीबा चर्चा में है। दिमाग को खाने वाला एक अमीबा चर्चा में आया है अभी हाल ही में। यह केरल से रिलेटेड है कि भारत के केरल में अलापुजा जिले के एक 15 वर्षीय लड़के की नेगलेरिया पावलेरी, जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है, इसका नाम है नेगलेरिया पावलेरी के रूप में जाना जाता है और इसके कारण उसकी दुर्लभ संक्रमण के कारण उस 15 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई है और युवा लड़के को 1 सप्ताह तक तेज बुखार रहा और उसके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। ऐसा माना जाता है कि पास की जलधारा में नहा रहा था तभी यह वहाँ पर इस अमीबा की चपेट में आ गया जो संभवतः संक्रमण का स्रोत है। और दक्षिण अफ्रीका में इसका पहली बार जो अमीबा है इसकी खोज हुई थी दक्षिण अफ्रीका में मस्तिष्क खाने वाले की। आगे न्यूज है इसमें गुजरात सरकार ने बीमा कवर दोगुना कर दिया है। गुजरात सरकार ने बीमा कवर को बढ़ा करके दोगुना कर दिया है। गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत बीमा कवर को दोगुना कर दिया है। अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, गुजरात सरकार ने कर दिया है बीमा कवर को दोगुना। अब इसमें 11 जुलाई से गुजरात में PMJAY के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा जो पहले 5 लाख रुपए तक था।
राज्य सरकार के इस फैसले का लक्ष्य गुजरात में लगभग 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ पहुंचाना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार तक उनकी पहुंच बढ़ जाएगी। आपको बता दूं कि यह जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, और तब प्रधान वो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा हुई थी, जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा बजट में घोषणा की गई थी इसकी। और इसके उद्देश्य में था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या फिर बीपीएल धारक हैं, उन सभी को बीमा कवर मुहैया कराना था इसका उद्देश्य, इस योजना का, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का। आगे है इसमें सीएमबी और टीओएमबी वायरस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसल को नष्ट कर दिया है, या प्रभावित कर दिया है, नष्ट तो नहीं कह सकते, काफ़ी रूप से प्रभावित कर दिया है इसने, सीएमबी और टीओएमबी ने। इसमें देखते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर किसानों ने इस साल की शुरुआत में अपनी पैदावार में गिरावट के लिए दो अलग अलग वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के लोगों ने बताया है कि इसकी टमाटर की फसल जो है ककड़ी मोजेक वायरस यानी सीएमवी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, जबकि कर्नाटक और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में उत्पादकों ने अपने नुकसान के लिए टमाटर मोजेक वायरस एनटीओएमवी को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले 3 वर्षों में टमाटर जो है इसकी खेती करने वाले किसानों ने इन दोनों वायरसों के प्रसार में वृद्धि देखी है, जिसके परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से लेकर कुछ नुकसान तक अलग अलग डिग्री की फसल में क्षति हुई है। ठीक है, टमाटर से संबंधित थी, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसमें प्रभावित हुई है यह टमाटर की खेती वायरस की वजह से। आगे है इसमें बैंकिंग समाचार से संबंधित, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर पोर्टेबिलिटी पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। इसमें देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक मसौदा विनियमन का अनावरण किया है, जो डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड धारकों को अपने वांछित कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है, जो वैश्विक स्तर पर संभावित क्रांतिकारी विकास को दर्शाता है। आगे न्यूज है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पीएमएमवाई ऋणों में वित्तीय वर्ष 24 की पहली तिमाही में वितरण में 23% की वृद्धि देखी गई है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें ऋणों में वित्तीय वर्ष 2024 में और इसकी पहली तिमाही में 23% की वृद्धि देखी गई है। आपको इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बता दूं, यानी पीएमवाई योजना के बारे में, कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, और इसका उद्देश्य था जो लघु उद्योग हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। और इसका नारा था पूंजी सफलता की कुंजी। और इसमें तीन तरह की जो ऋण की व्यवस्था थी, तीन प्रकार के ऋण की व्यवस्था थी छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए। इसमें पहला ऋण जो था उसमें शिशु लोन था, जिसमें 5000 करोड़ तक का लोन, मतलब 50000 तक का लोन की व्यवस्था थी शिशु लोन में। और इसके बाद था किशोर लोन, उसमें 50000 से लेकर के 5 लाख तक की व्यवस्था थी। और तरुण लोन में इसमें मदद थी 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की छोटे कारोबारियों के लिए। और इसमें डिटेल से देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 81597 करोड़ तक पहुंच गई है। और यह पिछले वर्ष की समान तिमाही में वितरित 62 जो पिछले वर्ष में ऋण वितरित हुआ था उसमें 62650 करोड़ की तुलना में 23% की उल्लेखनीय वृद्धि है ये। और इसमें 2024 की पहली तिमाही में वितरित हुआ है 81597 करोड़। आगे न्यूज है नियुक्ति से संबंधित, कि श्रद्धा कपूर एक एक्ट्रेस हैं, इनको एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो श्रद्धा कपूर हीरोइन है उनको, श्रद्धा कपूर को एक्सिस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये स्पोर्ट्स गियर कंपनी है एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बैंक की नहीं, ये कंपनी है प्राइवेट, एक्सिस इंडिया प्राइवेट, इसने अपना ब्रांड अम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं पुस्तकों और उसके लेखक के बारे में, कि अनीता भरत शाह द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक जारी की गई है। अनीता भरत शाह द्वारा लिखित है कलर्स ऑफ डिवोशन, ठीक है, कलर्स ऑफ डिवोशन यह अनीता भरत शाह ने लिखी है। आगे माया मोदी आज़ाद
सुधा पई और सज्जन कुमार द्वारा हिंदुत्व के समय में दलित राजनीति के बारे में। ये पुस्तक है माया मोदी, इसका टाइटल है माया मोदी आजाद, सुधा पई और सज्जन कुमार। यह पुस्तक हिंदुत्व के समय के दलित राजनीति के बारे में बताती है और इसका लेखक जो है इसको लिखा है इसको हिंदुत्व नाम की इस पुस्तक को लिखा है सुधा पई और सज्जन कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और इसका टाइटल माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स टाइम ऑफ हिंदुत्व। इसमें आगे इस पुस्तक में वे दलित राजनीति के क्षेत्र में माया मोदी और आज़ाद के बीच अंतर संबंध की एक बोधगम्य और विचारोत्तेजनक परीक्षा प्रदान करते हैं। आगे श्रद्धांजलि से संबंधित कि प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नमूथरी का निधन हो गया है हाल ही में। जो प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नमूथरी थे उनका निधन हो गया है। इसमें देखते हैं कि चित्रकला और मूर्तिकला में अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध कलाकार नमूथरी का 97 वर्ष की आयु में मलप्पुरम जिले के कोट्टकलम में निधन हो गया है। आगे विविध समाचार, देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है। देवघर झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया है श्रावणी मेले का। इसमें देखते हैं कि राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पारंपरिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के साथ श्रावणी मेले की शुरुआत की है और भक्तों के लिए एक सहज और यादगार अनुभव सुनिश्चित किया है। लगभग 2 दशकों के बाद श्रावणी मेले के दौरान विस्तारित अवधि और 8 सोमवारों के अनूठे संयोजन के साथ इस वर्ष के आयोजन का महत्व बढ़ गया है। आगे इसमें कुछ वन लाइनर के रूप में है ये क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है। इसमें रहा है सिलिकॉन वैली, ठीक है। इसमें रहा है सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, तो इसमें शीर्ष पर रहा है सिलिकॉन वैली। हाल ही में EUI द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। इसमें रहा है शीर्ष पर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, याद रखना। हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, और वियना से बता दूं कि वियना जो है डेन्यूब नदी है, याद रखना। मैंने ये ट्रिक से याद किया था कि जो डायन होती हैं वह कहाँ रहती हैं, वहाँ रहती हैं जहाँ वियावान जंगल होता है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है वियना, ठीक है। हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है, ये किया गया हसमुख अधिया को। आगे हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, स्किन बैंक का पहले भारत के यह हुआ है नई दिल्ली में। आगे किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की गई है। विट्ठल रुक्मणी का संबंध महाराष्ट्र से था, 2-3 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, तो यह शुरू की गई है महाराष्ट्र में। हाल ही में UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने LADCS लागू किया गया है। कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए गरीबों को LADCS यह किया है उत्तर प्रदेश ने। आगे इसमें हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसने जीता है। यह जीता है आचार्य एन गोपी ने जीता है। हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। मध्य पाषाण युग की पेंटिंग है ये, कहाँ पर की गई है, यह की गई है आंध्र प्रदेश में। आगे भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है। यह बना है टाटा पावर। आगे राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है।
बताइए सबसे अधिक जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं कहाँ पर सबसे अधिक हुए हैं, और यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। यह एकत्रित हुए हैं सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पर, बताइए भारतीय सेना ने कहाँ अग्निअस्त्र फर्स्ट आयोजित किया है, बताइए भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्निअस्त्र फर्स्ट आयोजित किया है। यह किया है भारतीय सेना ने लद्दाख में। आगे इसमें हाल ही में मार्सेल सियोलाकू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, मार्सेल सियोलाकू, यह किया गया रोमानिया का। आगे फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, फिच रेटिंग ने कितने 2023 में जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, यह लगाया है 6.3% 2023-24 के लिए। तो दोस्तों 9 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स थे आपके सामने डिस्कस किए, कैसे लगे बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, और कल 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा टाइम से, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।